दोस्तों, ये डीसी पावर सप्लाई मशीन है। इसे मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद मशीन है। काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स थी कि डीसी पावर सप्लाई मशीन को मैं चलाना सिखाऊं। नॉर्मली जो डीसी पावर सप्लाई मशीन मैंने ज़्यादातर यूज़ करी है वो बाकू कंपनी की है, और वैसे सस्ती भी आती है और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है और इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए किन किन चीज़ों में इसे यूज किया जा सकता है, जैसे कि आप मोबाइल रिपेयरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे बैटरी को चार्ज वगैरह करने के लिए। बैटरी भले 3.7 वोल्ट की हो, 4 वोल्ट की हो, 5 वोल्ट की हो या फिर 6 वोल्ट की हो, भले वो 12 वोल्ट की भी हो, उससे भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और साथ ही सर्किट में शॉर्टिंग का पता लगा सकते हैं आप इसे, और उसके साथ साथ इसमें जो वोल्टेज आपको मिलती है, तो इससे आप 1.5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक कोई भी चीज़ अगर आपको चलानी हो इससे आउटपुट लेके आप चला सकते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका इंटरफेस समझाता हूँ, फिर आपको इसको यूज़ करने का थोड़ा सा मेथड बता दूँगा। देखिए सिंपल सा है, इसका जो इंटरफेस है, यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर करंट है। मतलब वोल्टेज जितना आप सेट करेंगे उतना इस जगह पे आपको दिखेगा इस सेक्शन में। करंट बोले तो कोई चीज़ आप इससे चला रहे हैं तो वो कितना करंट ले रहा है या कितना एम्पियर वो खींच रहा है वो यहाँ पर बता देगा। भले आप मोबाइल रिपेयरिंग में भी इसे यूज करते हैं तो भी वो यहाँ पर करंट बता देगा कि वहाँ पर वो कितना करंट ले रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, और यहाँ पर इसकी जो प्रोब्स हमें मिलती है साथ में ये वाली, उसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव में लगा सकते हैं। बीच का ग्राउंड है, बीच की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इसकी बॉडी का ग्राउंड ये इसलिए बीच में दिया गया है, ठीक है। इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, बस इन दोनों से हमारा काम होता है। अब बात करें इसके स्विच की, जो इसमें चार स्विच दिए गए वो किस लिए हैं। सबसे पहले मैं इसे उन वैसे समझा देता हूँ, फिर ऑन करके दिखाऊंगा। ये आपका करंट का है, यानी कि आप इससे कोई भी चीज़ चला रहे हैं और वो लोड नहीं ले पा रहे तो इससे एम्पियर बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 2 एम्पियर तक आउटपुट करता है और मिनिमम 600 मिली एम्पियर से मैक्सिमम 2 एम्पियर तक ही आउटपुट करता है। इससे आप एम्पियर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया एम्पियर का। और ये दूसरा वाला जो सेक्शन है, इससे आप फिक्स वोल्टेज जितनी चाहते हो उतनी ये आउटपुट कर सकता है। जैसे 1.5 वोल्ट आप चाहते हैं तो उसको सबसे पहले 1.5 वोल्ट पे रख लीजिए, वो इतना आउटपुट करेगा। फिर आप 3.6 अगर चाहते तो इतना ही वोल्ट आउटपुट करेगा। तो यहाँ पर देखिए 7.2 जहाँ पे तक लिखा हो ना, तो इतना ही आउटपुट करता है। फिर यहाँ तक देखिए सबसे लास्ट में 0-15 तक अगर आप इसको सेट कर लेते सबसे लास्ट में, तो यहाँ से आप मैनुअली इसे सेट कर सकते हैं। वोल्टेज जितना आपको चाहिए उतना अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो टोटल मिला के ये दोनों स्विच जो आपके वर्क करते हैं, ये जब लास्ट में इसको सेट कर लेते हैं तब जाके ये दोनों स्विच वर्क करते हैं, अन्यथा ये दोनों वर्क नहीं करते। वो अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, काफ़ी सारे लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने प्लस और यहाँ पर माइनस दोनों में लगा लिया है, और इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने पर एक बीप सा साउंड आता है, और इसमें एक ख़ास बात है, कभी भी किसी सर्किट बोर्ड में, यानी कि मोबाइल, ज़्यादातर मोबाइल के सर्किट बोर्ड में अगर आप चेक करेंगे, अगर कहीं भी शॉर्टिंग आ रही है तो ये इस तरीके से बीप मारने लग जाता है। देखिए एक मिनट, इस तरीके से यहाँ पर ये बीप मारने लग जाता है। एक मिनट, इसको मैं सेट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वोल्टेज इसकी बढ़ाता हूँ, तो इस तरीके से बीप मारने लग जाता है, ठीक है। शॉर्टिंग करने पर, कहीं पर सर्किट शॉर्ट है आपका, ज़्यादातर मोबाइल रिपेयरिंग में, तो यहाँ पर इस तरीके से वो बीप मारने लग जाता है। या कोई भी चीज़ आप चला रहे हैं, यानी कि एम्पलीफायर भी चला रहे हैं, तो वो शॉर्ट मार जाता है, आगे शॉर्ट वगैरह कर जाता है। तो यहाँ पर सप्लाई की फूकने का टेंशन नहीं है, मतलब इस पावर सप्लाई की फूकने का टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से वो बीप मार देगा और वहाँ पर सप्लाई को काट देगा। अब सबसे पहले इसके इंटरफेस को समझना ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, जब भी आप इससे चाहते हैं कि भैया शॉर्टिंग बताए, तो आप इस स्विच को सबसे लास्ट तक रखेंगे, मतलब इस स्विच को आप 0.6 तक रख लेंगे, तब जाके यह शॉर्टिंग मारने पर बीप मारेगा, अन्यथा ये बीप नहीं मारेगा। इसे मान लिया जाए आपने बढ़ा दिया है इस तरीके से, तो अब शॉर्टिंग मारने के बाद ये कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं बताएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने सब ध्यान रखनी है। तो इसे मैं घुमा के लास्ट तक कर लेता हूँ। अब बात करते हैं वोल्टेज की, तो यहाँ पर देखिए 1.5 है, तो थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है, 1.6 दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं, फिक्स वोल्टेज 3.6 चाहते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक एक वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है। अगर इसे मल्टीमीटर में आपको चेक करके दिखाऊँ कि कितना वोल्टेज एक्यूरेट आउटपुट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को मैं 20 पे सेट कर लेता हूँ, और पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव कर लूँ,
तो यहाँ पर अभी कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। मल्टीमीटर में यहाँ पर देख रहे हैं तो कितना आउटपुट कर रहा है, 3.58। चलिए यह मल्टीमीटर को यहाँ पर रख लिया ताकि दोनों चीज़ आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। अब यहाँ पर अब 4.8 पे इसको रखता हूँ तो यहाँ पर 4.7 बता रहा है, यहाँ पर 9 बता रहा है, मतलब यहाँ पर जो इसका एक्चुअल मानेंगे हम आउटपुट वो इसको मानेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से नहीं मानेंगे बल्कि इसके हिसाब से मानेंगे क्योंकि यहाँ से आउटपुट वो कर रहा है। अब यहाँ पर 6 वोल्ट पे सेट करेंगे तो यहाँ पर 6 वोल्ट पूरा नहीं बता रहा, 5.87 बता रहा है, तो इसको हम एक्चुअल हम इसका आउटपुट मानेंगे। ये यहाँ पर अपने स्क्रीन पर 6.1 दिखा रहा है, इसको हम गलत मानेंगे क्योंकि यहाँ पर आउटपुट ये प्रोब से कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 7.2 पे चलते हैं, यहाँ पर 3 दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर 7.0 दिखा रहा है, तो 2 पॉइंट कम है। अब यहाँ पर ये तो 7.2 तक आ गया। अब बात करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर 7. इस सेक्शन में आपका ये दोनों वर्क नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था। देखिए कितना भी घुमा लीजिए आपको कोई भी यहाँ पर ये वर्क करते हुए नहीं दिखा देगा। ये कब वर्क करते हैं, जब आप इसको सबसे लास्ट में रख लेते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में 0-15 वोल्ट पे रखेंगे तो आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब ये दोनों बटनों का क्या क्या काम है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ जो बटन दिया गया है, ठीक है, इससे आप देखिए, इससे आप 14 वोल्ट मैक्सिमम इसका जो आउटपुट है ये 14 बता रहा है, इसको घुमा के बता दे, मतलब 18 वोल्ट ये मैक्सिमम यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। अब इसको रख लेते हैं 0 पे और यहाँ पर देखिए ये जो आपका है फर्स्ट डिजिट को कंट्रोल करने के काम पे आया था ये वाला, ठीक है, ये कोर्स जो इसमें लिया गया ना कोर्स, तो ये फर्स्ट डिजिट को आपके सेट करने के काम पे आता है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये देखिए पहले डिजिट को ये कंट्रोल करने के काम पे आ रहा है। चलिए वहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 9 है ये, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट डिजिट को सेट करने के काम पे ये आता है। अब सेकेंड डिजिट को जैसे मान लिया जाए यहाँ पर है 2.4849 मान के चलिए, अब यहाँ पर हमें 2.55 चाहिए, 2.55 चाहिए वोल्टेज, तो इससे सेट करेंगे। अब दूसरे डिजिट को इससे सेट करेंगे, देखिए 50, 54, 55 ये देखिए एक एक पॉइंट को बाद जो नेक्स्ट है ना उसको ये सेट करता है, ठीक है। पहले वाले को ये सेट करता है, दूसरे वाले को ये सेट करता है, फाइन, ठीक है, इतना हमने याद रखना है। अब हमें चाहिए कितना, 3.47, मतलब 3.47 हमें चाहिए, तो इससे हम पहले डिजिट को हम फिक्स करेंगे तीन। अब यहाँ पर 47 में इससे हम 47 इससे सेट करेंगे, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 47, ठीक है, इससे हमने सेट कर लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, अब 3.47 इससे हमने सेट कर लिया। अब जैसे कि हमें चाहिए, अब इसको रखते हैं 0 पे, अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए 5, फिक्स 5 वोल्ट चाहिए, तो इससे हम पहले 5 पे लेके आते हैं इसको, यहाँ पर 4 and 5, एक मिनट, आप इससे भी फिक्स कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर फिक्स नहीं हो पाता है तो इससे आप मैन्युअली फिक्स कीजिए इससे, ठीक है। देखिए 5 पे इसको हम सेट करते, ये देखिए एक मिनट, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 3, 2, 0, देखिए 5 पे फिक्स हो चुका है। आप वहाँ पे मत देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा क्योंकि आउटपुट ये दे रहा है तो इसको हम एक्चुअल मानेंगे। वहाँ पे भी मैं 0-0 पे सेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, 2, तो यहाँ पर 1, 0, ठीक है, यहाँ पर 6, 7, 8, 9, देखिए 5.0 यहाँ पे सेट हो चुका है, लेकिन इसको हम एक्चुअल आउटपुट नहीं मानेंगे, आउटपुट इसको ही मानेंगे, तो इसके हिसाब से हमें 5 जब सेट करना है तो इस हिसाब से ये सेट कर लेना, ठीक है। ये फिक्स 5 वोल्ट यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मान लिया जाए हमें 12 वोल्ट का कोई एम्पलीफायर चलाना है और उस एम्पलीफायर को चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट की जरूरत है, तो यहाँ से हम 12 पे पहले सेट कर लेंगे, 9, 10, 11 एंड ओहो ये 15 पे पहुँच गया, 14, 13, 12। अब फिक्स 12 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पर इसको सेट करना पड़ेगा 12 और यहाँ पर 17, 16, 15, 14, 13, 0 एंड एक मिनट थोड़ा सा ये देखिए एक मिनट थोड़ा सा एक आगे जाए हाँ फिक्स ये फिक्स 12 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है, थोड़ा सा अप डाउन कर रहा है, इसको अच्छी तरह सेट करना पड़ेगा। अब देखिए 12 वोल्ट में हमें 2 एम्पियर चाहिए, किसी एम्पलीफायर को चला रहे हैं तो 12 वोल्ट में एम्पियर कम होगा तो एम्पलीफायर बार बार ऑन होगा ऑफ होगा, तो एम्पियर इससे बढ़ाएंगे, अब 12 वोल्ट के बाद इससे एम्पियर बढ़ाएंगे, इसको आप 2 एम्पियर मतलब पूरा इसको घुमा दीजिए 2 एम्पियर पर सेट हो जाएगा, तो इससे आप अच्छी तरीके से एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस आप चला सकते हैं। अब वहीं पर बात करें मोबाइल रिपेयरिंग में क्या काम होता है, मोबाइल रिपेयरिंग में इसका काम शॉर्टिंग
वगैरह चेक करने के काम पे आता है। वो कैसे वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। चलिए इसको और इसको मैं यहाँ पर हटा लूँगा और मल्टीमीटर को रखते हैं साइड पे, और यहाँ पर मोबाइल इस मोबाइल को मैं चेक करके आपको दिखाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने बैटरी को ओपन कर लेना है इसके। अब यहाँ पर मोबाइल को ऑन करने के लिए हमें कितना वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, लगभग 3.7 से 3.89 तक की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बैटरी में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3.7 वोल्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मोबाइल को ऑन करने के लिए। अब यहाँ पर हम 3.7 को हम सेट कर लेंगे, तो एम्पियर बिल्कुल पहले घटा दीजिए और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे हम 3.7, तो यहाँ पर इससे सेट होगा 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, थोड़ा सा 8 रख लीजिए क्योंकि पावर लेगा तो वहाँ पर वोल्टेज वो करेगा, क्योंकि एम्पियर भी घटा के रखा हुआ है। अभी क्या है कि इसको हमने चलाना है। अब यहाँ पर अगर मोबाइल थोड़ा सा बड़ा है, एंड्रॉयड वगैरह मोबाइल है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप जो है एम्पियर को बढ़ा लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर 600 mA पे सेट है, बिल्कुल डाउन पे है, तो ये मोबाइल को ऑन कर लेगा। अब यहाँ पर प्लस में प्लस और माइनस में माइनस को रख लेंगे, तो यहाँ पर इसके बाद हमारा मोबाइल यहाँ चालू हो जाएगा। चालू अभी नहीं होगा, चालू जब हम इसको बटन दबाएंगे तब चालू होगा। जैसे हम बटन दबाएंगे तो वहाँ पर कुछ एम्पियर लेना चालू कर देगा। शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए मैं पावर बटन दबाता हूँ, ये देखिए दबाता हूँ तो वहाँ पर एम्पियर लेना चालू हो गया, देखिए, और यहाँ पर मोबाइल भी चालू हो चुका है। ये बंद है, ये क्यों, क्योंकि इसकी डिस्प्ले टूटी हुई है, ठीक है, मोबाइल ऑन तो हो गया लेकिन थोड़ा सा इसकी डिस्प्ले टूटी हुई है, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मोबाइल यहाँ पर फाइनली ऑन हो चुका है, तो यहाँ पर एम्पियर लेना चालू हो चुका है। अगर मोबाइल डेड होगा तो यहाँ पर कोई एम्पियर नहीं लेगा, बिल्कुल 0-0 आएगा। देखिए अभी मोबाइल तो ऑन हो गया तो यहाँ पर एम्पियर नहीं ले रहा, लेकिन मोबाइल ऑन होते समय एम्पियर खींचता है वो। अब मैं कोई बटन वहाँ पर दबाता हूँ तो यहाँ पर देखिए एम्पियर लेना फिर चालू करेगा, वर्किंग कंडीशन में एम्पियर खींचना चालू करेगा। अभी क्या है, जैसे अगर मोबाइल शॉर्ट रहेगा, अगर मोबाइल फुल्ली शॉर्ट बताता है, हाफ शॉर्टिंग बताता है, तो वहाँ पर आपको डिस्प्ले में या तो फुल्ली शॉर्ट बताएगा तो इस तरीके से आपको बीप बीप सुनाई देगी, अगर मोबाइल फुल्ली शॉर्ट बताता है, या फिर अगर आपका पावर आईसी में दिक्कत है, ऑन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर देखिए इस बटन को प्रेस करेंगे, एम्पियर लेगा और बिल्कुल डाउन हो जाएगा। जैसे हम पावर बटन को प्रेस करेंगे तो वहाँ कुछ खींचेगा फिर डाउन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर पावर बटन को दबाने के बाद, ये ऑन होने के बाद एम्पियर लेना चालू कर रहा है, लेकिन इसके डेड होने की कंडीशन में एक बार पावर बटन आप दबाते हैं और इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एम्पियर लेके बिल्कुल डाउन पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में पावर आपकी ऐसी की प्रॉब्लम है। तो इससे रिलेटेड जब भी मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक आएगा मैं आपको ज़रूर वो चीज़ शेयर करूँगा। फिलहाल बेसिकली यहाँ पर इसको चलाने का पूरा मेथड आपको बता दिया है। अब यहाँ पर जैसे ये ब्लूटूथ मॉड्यूल आप देख रहे हैं ना, इसको चलाने के लिए कितने वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिक्स 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी चला के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से हमने डिस्कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव देख लेता हूँ मैं इसका, ये है पॉजिटिव हमारा और ये रहेगा हमारा नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। तो यहाँ पर अब ये चालू हो गया, क्योंकि ये लगभग कितने वोल्ट से हमारा ऊपर तक 5 वोल्ट तक चलता है। अब यहाँ पर आपको शायद ब्लिंक करते हुए दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में आपको कैमरा इफेक्ट की वजह से आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, वोल्टेज कितने वोल्ट से ऑपरेट होता है मिनिमम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको हम 1 वोल्ट 1.3 से ऑपरेट नहीं हो रहा, थोड़ा बढ़ाते हैं, 2 वोल्ट तक सेट करते हैं, 2 वोल्ट पर भी ऑपरेट नहीं हो रहा, थोड़ा सा बढ़ा के देखें, हाँ 3 वोल्ट के आसपास से ये चालू हो जा रहा है। मतलब अभी भी देखिए बंद हो जा रहा है थोड़ी देर में, मतलब 3 वोल्ट पे भी अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहा, ऑन ऑफ हो जा रहा है, थोड़ा बढ़ाते हैं, मतलब टोटल मिला के 3.2 वोल्ट पे सेट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ अभी भी नहीं खींच पा रहा है, अगर थोड़ा सा एम्पियर बढ़ाऊँ, एम्पियर बढ़ा के भी नहीं हो रहा, मुझे वोल्टेज भी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा सा, मतलब 3.6 वोल्ट पे सेट कर लिया है अब, हाँ 3.6 वोल्ट से परफेक्ट चालू हो जा रहा है और मैक्सिमम इसको 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 5, 5 वोल्ट से ज़्यादा इसको नहीं देना है वरना ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये बता दिया, इसको चला के भी दिखा दिया मैंने, और बाकी जो है आप इससे
15 वोल्ट तक की कोई भी चीज़ चला सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम इसमें आपको बता था ना कितना वोल्ट है, इसमें 15 वोल्ट लिखा हुआ है, तो वैसे तो ये 18 दिखा रहा है, ठीक है 18 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल 15 यहाँ पर आउटपुट करेगा। ठीक है, तो अब आपको डीसी पावर सप्लाई का यूज़ करना आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो कमेंट करके बताना, आपको दूसरी तीसरी वीडियो और भी सरल तरीके से बताऊंगा। वैसे तो मुझे लगता है कि इससे सरल तरीका और नहीं होगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।